हेलो स्टूडेंट्स, आज की साइकोलॉजिकल क्लास में हम देखेंगे कि आपको कैसे कूल रहने की जरूरत होती है जब आप विनिंग पोजीशन पे हो, ठीक है। क्योंकि जब हम जीत रहे होते हैं पोजीशन, जब हमें पता है कि हम जीत रहे हैं, हमारे पास एक मेथड है जीतने का, या हम 20+ चल रहे हैं, तो वहां पर हमें बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है। इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे, एक्साइटमेंट हो जाता है। हो सकता है अभी आप उस चीज को फील ना कर पाओ, लेकिन जब आप टूर्नामेंट में खेल रहे हो, जब आप टूर्नामेंट में खेल रहे होंगे और आपके सामने एक अच्छा प्लेयर है और उससे आप जीत रहे हैं, या एक क्रूशियल राउंड है उससे आप जीत रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है और आप फोकस नहीं रह पा रहे, और उस वजह से बहुत सारी गलतियां हो जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये देखने के लिए, और ये मैच हुआ था दो प्लेयर्स के बीच में। इस पोजीशन में ब्लैक एक पीस प्लस है, आप ध्यान से देखिए, ब्लैक एक पीस प्लस है, ब्लैक के पास एक बिशप एक्स्ट्रा है, ठीक है। हाँ, व्हाइट के पास एक पॉन है, ब्लैक के पास में एक पीस है बिशप, ठीक है। लेकिन वो बिशप अभी पेन है, टेक सम टाइम, 2-3 मिनट्स, और आप देखेंगे ब्लैक को यहां पे क्या करना चाहिए। रूक टेक्स H3, ध्यान से देखिए, रूक टेक्स H3,
h3, Rook takes g7, Queen takes g7, and h takes g7. And this is the problem actually. If here, f8 wala rook under attack nahi hota, तो हम अपना रूप बचा सकते थे एच थ्री और हम एक रूप प्लस होते हैं, लेकिन अभी हमारे दोनों रूप पे अटैक है तो एक रूप हमें देना पड़ेगा एंड पीस जो प्लस था ब्लैक वो बराबर हो जाएगा. सो इन दिस पोजीशन ब्लैक पे किंग टेक्स g7 एंड व्हाइट पे जी टेक्स h3, किंग टेक्स g7 एंड जी टेक्स h3. और ये मैच आगे चल के ड्रॉ है बिकॉज दिस इज द ड्रॉ पोजीशन. द रूक एंडिंग इज ड्रॉ. Very simple position. हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस पोजीशन में ब्लैक वाज विनिंग. ब्लैक एक पीस प्लस था और उसके पास तो दो ऑप्शन थे, रुक f1 चेक एंड किंग h8 वाज वेरी सिंपल मूव. किंग h8 आप अपने पीसेस को जस्ट एक्टिव कर रहे, लेकिन उस पोजीशन में उसको एक मूव अट्रैक्ट किया टू कैच को और वो एक्साइट हो गया और उसने बाकी चीजें कैलकुलेट नहीं की. सर सेम थिंग आई वाज अबाउट टू टेल यू दैट अगर एक्साइटमेंट से हो सकता है. हां ठीक है. सर यस h1 चेक लुक एट h1 चेक पे कैप्चर कर रहे हैं. उससे क्या फायदा होगा? मटेरियल तो उतना ही रहेगा आपके पास. मटेरियल तो उतना ही रहेगा रुक एट में से सिंपल रहेगा. जस्ट रुक की पोजीशन डिफरेंट होगी उससे कोई फायदा नहीं होगा. सेम टू सेम. So you have to stay cool and calm and see all the things. कि कोई मूव में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है? उसके बाद आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम एक मूव में जीत रहे हैं दो मूव में जीत रहे हैं. इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप सही मूव चल के जीत रहे हैं, ठीक है? कभी आप वेट कर रहे हैं थ्री मूव्स में, टू मूव्स में आपके पास चांस है, वो चांस भी आपको नहीं खोना चाहिए. ऐसी पोजीशन में आप मेट नहीं हो रही है बट आप एक विनिंग पोजीशन को सर्च कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें देखनी चाहिए. यस एनी क्वेश्चन? अगर आप हार में तो पोजीशन में होते हो तो मैं सोच रहा था मैं बड़े प्लेयर को हरा रहा हूँ, ऐसे तो मैं इतने एक्साइटमेंट में आ जाता हूँ कि जो बोर्ड पर इतना अच्छा फोकस कर रहा था वही तारा बोले. हुआ ना ये आपके साथ ऐसा? तो आगे से ध्यान रखना, सबके साथ होता है. और बल्कि जो मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि आप उसे पूछ सकते हैं ये सब इतना आपको कैसे पता लगा कि ये सोच रहा था ये सोच रहा था. एक्चुअली ये मेरा ही मैच है, ठीक है? एंड दिस मैच वाज प्लेड बाय मी नेशनल चैंपियनशिप 2017 और मेरे सामने काफी अच्छा